तो देखो अभी हमारे स्नैक की क्या कंडीशन है। हमारे स्नैक की ये कंडीशन है, जब हम कीप प्रेस कर रहे हैं फॉरवर्ड वाली, ठीक है, आगे मूव करवाने वाली, तो हमारा स्नैक है कंटिन्यूसली फॉर्म होता जा रहा है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऐड होते जा रहे हैं। ये रीज़न हमारा जो है प्लॉट स्नैक, इसके थ्रू हमारा जो स्नैक है वो ऐड होता जा रहा है रेक्टेंगल के अंदर, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है। और अगर आपने ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है, तो आप अब उसको जाके देख सकते हो। तो अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, कि जो हमारा स्नैक है जब हम की प्रेस कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, पर हमें ऐसा नहीं चाहते, हम सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि जब हमारा स्नैक फूड को टच करे तभी हमारी लेंथ बढ़े स्नैक की। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्नैक है इस स्नैक के अंदर जब हम की प्रेस कर रहे हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म होते जा रहे हैं, तो हम अभी ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये रेक्टेंगल को रिमूव कर दे लिस्ट के अंदर से। जो ये स्नैक है ये कम्प्लीटली, ये स्नैक है क्या, ये स्नैक एक पूरी लिस्ट है, इसके अंदर स्नैक एक्स का कोऑर्डिनेट और स्नैक वाई का कोऑर्डिनेट ऐड होके रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि इफ जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्नैक लिस्ट, स्नैक लिस्ट की लेंथ हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली से आपको पता है जो स्नैक लिस्ट है ये कि लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर n नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल होंगे, n नंबर्स ऑफ, जिनको अभी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो n नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे, वो ग्रेटर देन होने चाहिए स्नैक लेंथ से। तो स्नैक लेंथ क्या है, यहाँ पे स्नैक लेंथ यहाँ पे हमने 1 डिफाइन की है, 1 इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग रेक्टेंगल है वो 1 है, ठीक है, एक स्टार्टिंग रेक्टेंगल है वही मूव होगा, उसके साथ जब वो फूड को टच करे तो रेक्टेंगल बढ़ता जाए, बट ठीक है एक सिंगल रेक्टेंगल होगा। और अगेन नेक्स्ट लाइन में है डिलीट डीएल, डीएल यहाँ पे डिलीट का काम कर रहा है, स्नैक लिस्ट के अंदर से जीरोस एलिमेंट हटा दो। जीरोस एलिमेंट होता है कि स्नैक लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, जब हम की प्रेस करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होता जाएगा, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसी रेक्टेंगल को डिलीट कर दो, जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है उसी को डिलीट कर दो, ठीक है, ये वो कंडीशन है। अब इस वाइल लूप के अंदर देखो कैसे वर्क करेगा, ये वाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमारा जो ये प्लॉट स्नैक है जिसके थ्रू हमारे रेक्टेंगल ऐड होते जाएंगे, जब हम की प्रेस करेंगे तो कंटिन्यूसली फॉर्म होता जाएगा। अब इस रेक्टेंगल ये फॉर्म तो होगा, ठीक है, ये फॉर्म तो होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आ गई कि वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन आ गई कि भाई जो लेंथ है स्नैक लिस्ट की वो ग्रेटर देन होगी अगर स्नैक लेंथ से, तो क्या करो डिलीट कर दो फर्स्ट एलिमेंट, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी क्योंकि जो भी हमारा स्नैक लिस्ट है वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू होगी कंडीशन। क्या करेगा, डिलीट कर देगा स्नैक लिस्ट का जीरो एलिमेंट, कि जो भी जब ये प्लॉट स्नैक हमारा, हमारे स्टार्टिंग में सिंगल रेक्टेंगल होगा जब हम की प्रेस करेंगे, तो जब हमारा सेकंड रेक्टेंगल बनेगा इसके थ्रू, सेकंड रेक्टेंगल इसके थ्रू बनेगा, तब वो क्या करेगा कि यहाँ पे देखेगा अरे स्नैक लेंथ की जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो क्या करेगा उसी जो रेक्टेंगल को फॉर्म हुआ इसके थ्रू फॉर्म हुआ था तो उसको क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये कहाँ लगी है, इस वाइल लूप के अंदर ही। तो वाइल लूप के अंदर जो ये प्लॉट स्नैक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, स्नैक को बढ़ा रहा है कंटिन्यूसली, और ये क्या कर रहा है, स्नैक को बढ़ने नहीं दे रहा है। ये वाइल लूप के अंदर दो ऐसी कंडीशन लगा दी हमने, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, जब मैं इस कंडीशन को हटाता हूँ, इस कंडीशन को हटाता हूँ, ठीक है, अभी इस कंडीशन को हटा दिया मैंने, कंडीशन को हटा दिया, तो देखो जब हमारा रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ये रेक्टेंगल किस लिए फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्लॉट स्नैक है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर रेक्टेंगल ऐड करता जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जो है कंटिन्यूसली फॉर्म होता जा रहा है, ये प्लॉट स्नैक है ये कंटिन्यूसली फॉर्म होता जा रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ये अप्लाई कर दी कि भाई स्नैक लिस्ट को इससे मत बढ़ने दो, तो क्या करेगा कि ये चेक करेगा वाइल लूप के अंदर कि हाँ ओके आपकी जो स्नैक लेंथ का उसको हम रेक्टेंगल को कट कर देंगे जब भी फॉर्म होगा। पर वो इस कंडीशन में देखो कि कोलिजन विद स्नैक, जब हमारा स्नैक फूड के साथ कोलिजन करेगा तो हमारा क्या होगा, वो स्नैक लेंथ बढ़ना चाहिए। स्नैक लेंथ यहाँ से कॉपी किया, अभी 1 है, ठीक है, 1 है, और इसको मैंने भाई क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, कितने से, 10 से ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस 10 से ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये इसके अंदर जब फूड जब हमारा स्नैक ईट करेगा तो स्नैक लेंथ को बढ़ा देगा 10 से। अब इस स्नैक लेंथ को बढ़ाने के लिए जो कंडीशन दी थी हमने, जो कि जो हमारा कंट्रोल कर रहा है इस स्नैक लेंथ को, ये कंडीशन इसके अंदर नहीं है, इस कोलिजन के अंदर नहीं है, इसके बाहर है, तो इट मीन्स जो हमारा कंटिन्यूसली फॉर्म हो रहा था वो रेक्टेंगल, वो वाली कंडीशन इसके अंदर वर्क करेगी, वाली जो कंडीशन है इसके अंदर वर्क करेगी। तो देखो जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, जब हमारा स्नैक का फूड को ईट कर रहा है तभी रेक्टेंगल बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि
हमने जब फूड को ऐड करे, फूड को जब हमारा स्नेक ईट करे तो उस कंडीशन के अंदर हमने ये कंडीशन अप्लाई नहीं किया कंट्रोल लेंथ वाली, ठीक है। कंट्रोल लेंथ वाली किसके अंदर अप्लाई किए? व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।